क्या सदगुरु कबीर अलौकिक थे जो लहर तारा में प्रकट हुए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, क्या नाम है उसका? रमेश है, सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने समीक्षा किया है। वो पहले की जो शैली हुआ करती थी 150 साल 200 साल पहले, वो प्रश्नोत्तर शैली हुआ करती थी, साफ साफ। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के अर्थ को प्रकाशित करने वाली पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज के लोग उसको छपवा करके मुफ्त में भी बांटते हैं। उसमें एक प्रश्न है और इसी बात पर है कि लोग कहते हैं कि संत कबीर लहर तारा के तालाब पर प्रकट होते भय। तो दयानंद सरस्वती ने लिखा है, उनकी शैली थोड़ी कटु है, उन्होंने लिखा, कबीर कोई भुनगा थे क्या जो फूल पर प्रकट हो गए? ऐसी उनकी शैली है। जिन मतों का स्वामी दयानंद सरस्वती ने विवेचन किया है, तो विवेचन कम किया है, छीछा लेदर ज्यादा किया है। लेकिन उन्होंने प्रश्न किया कि कैसे तालाब में कैसे प्रकट हो गए कबीर? उसी से संबंधित यह प्रश्न है, क्या कबीर अलौकिक थे जो लहर तारा में प्रकट हुए? लहर तारा एक मोहल्ला है, काशी के बाहर था कभी वो, अब वो भीतर में जुड़ गया है। एक बड़ा तालाब था, कमल से भरा हुआ साफ पानी का तालाब, उसे लहर तारा कहा जाता था। अब तो वह तालाब लगभग बुझ गया है, बिल्डिंगें बन गई हैं वहाँ। सद्गुरु कबीर शिशु रूप में नीरू और नीमा दंपति को लहरतारा में मिले थे, और जैसे अन्य मनुष्यों का शरीर होता है, मिट्टी पानी आग हवा से बना, वैसे ही उनका भी शरीर था। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं और महानताएं थीं जो आमतौर पर सामान्य मनुष्यों में नहीं देखी जाती, इसलिए उनके अनुयायियों और प्रेमियों ने रीझ कर उनके लिए अनेक तरह की अलौकिक कल्पनाएं कर डाली हैं। इन कल्पनाओं के चलते कबीर धरती पर के जीव न हो करके आकाशीय बन गए हैं। कबीर साहब ने तो अलौकिकता का खुलकर खंडन किया है। उन्होंने अपने लिए या दूसरों के लिए कहीं एक शब्द में भी अलौकिकता की बात नहीं कही। अलौकिक तो उन्हें भक्ति भावना के अतिरेक में कबीर अनुयायियों एवं प्रेमियों ने बनाया है।
कबीर को एक विचारक के रूप में, एक स्वतंत्र चिंतक के रूप में माना गया है। लेकिन ये जो झारखंड के जंगलों से चलते हुए उड़ीसा, मध्य प्रदेश के जंगल जिसे छत्तीसगढ़ कहते हैं, इस बेल्ट में कबीर को एक अलौकिक पुरुष के रूप में माना जाता है, जैसे एक देवता हों। और उन लोगों ने मेहनत तो काफ़ी की है, जितना उनका प्रचार है उतना कबीर के ज्ञान को फैलाने वाले पारखी लोगों का उतना प्रचार नहीं है। तो उन लोगों ने मेहनत तो किया है। एफी की अंग्रेजी के एक बड़े लेखक हुए हैं जिन्होंने कबीर साहब पर काम किया है 100 बरस पहले। उन्होंने यह बात लिखी है कि बिहार, नेपाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के जंगलों में पहले एक देवता था जिसकी पूजा उपासना चलती थी। आगे चल करके काशी के कबीर का इतना महत्व बढ़ा कि उस परंपरा के लोगों ने अपने देवता का नाम ही कबीर कर दिया। और जो जो भी पूजा पाठ चढ़ावा वो करते थे अपने देवता के नाम से, वो कबीर के नाम से करने लगे। और उन लोगों का प्रचार प्रसार काफ़ी दूर तक था, ऐसा एफिकी ने लिखा है। और उनकी इस बात को लोग मानते हैं कि कबीर जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति तो एक देवता कैसे हो गया। तो उनका एक परंपरा थी उस बेल्ट में देवताओं को पूजने की। कबीर उन्हें इतना रुचे कि उन लोगों ने कबीर को अपना देवता बना लिया और उनके नाम से पूजा पाठ जो पहले करते रहे थे वो करने लगे। वो जो कर्मकांड था हिंसा वाला वो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि कबीर के साथ हिंसा नहीं जुड़ती है। कबीर के साथ हिंसक कर्मकांड जुड़ ही नहीं सकता। तो पहले से वो परंपरा समृद्ध थी, मजबूत थी। कबीर का नाम आ जाने से वह परंपरा और समृद्ध हो गई। उनका प्रचार प्रसार पहले भी काफी था और कबीर नाम जोड़ने से यह परंपरा और दूर तक फैल गई। तो उन लोगों ने अलौकिकता की बात की, चमत्कार की बात की। एक सज्जन कहते थे, बड़ा हंस करके कहते थे, आप लोग चमत्कार को नहीं मानते हैं तो धर्म की जो चमक है वो आप लोग बहुत छीन लेते हैं। धर्म की जो चमक है वो चमत्कार है, और आप चमत्कार नहीं मानते हैं तो धर्म की चमक को आप बहुत मध्यम कर देते हैं। पढ़े लिखे लोग भी जो धर्म की तरफ प्रभावित होकर के चलते हैं उसके पीछे एक कारण यही है कि वो चमत्कार चाहते हैं, कुछ अलौकिकता चाहते हैं। बाकी तो सामान्य दुनिया में होता रहता है, वो कुछ चमत्कार चाहते हैं। वो कहते थे आप लोग चमत्कार नहीं मानते हैं तो इससे धर्म की जो चमक है थोड़ी फीकी पड़ जाती है। कबीर साहब के नाम से ये जो, इसीलिए ये पौराणिक कबीर पंथ चला और ये जो वंश 42 चला, ये उसी परंपरा के लोग हैं।
जिन्होंने कहा है कि कबीर साहब की परंपरा में हम 42 वंश तक शासन करेंगे, तुम कोई राजा हो क्या, तुम्हारी बपौती है क्या कोई कबीर जो तुम 42 वंश तक शासन करोगे। मुसलमान इतने बड़े शासक थे, वो भी 42 वंश तक शासन नहीं कर पाए हिंदुस्तान में। आप कैसे करेंगे? लेकिन कहते हैं कि नहीं, हमें परवाना दिया गया है, प्रमाण पत्र दिया गया है कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, इस तरीके से हम 42 वंश तक शासन करेंगे। ये सब चीजें अभी 200 वर्षों की हैं, 200 वर्षों की बस। और उन लोगों ने अलौकिकता का जाल बहुत दूर तक फैला दिया, तो उन्होंने ही कबीर साहब के लिए कहा कि वो जो है अलौकिक थे, जन्म से ही अलौकिक थे, यह बात धर्म के एकदम विरुद्ध है। ऐसे ही एक प्रश्न और है, कबीर साहब का शरीर छूटा तो उसके बाद उनका शरीर फूल हो गया, यह कितना सच है? इसका उत्तर दिया गया है, पूरी दुनिया में एक कारण कार्य की व्यवस्था दिखती है। जब उपयुक्त कारण होता है तभी कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता। पौधों एवं वृक्षों में फूल फूलते हैं, यह कभी नहीं देखा जाता कि किसी का शरीर चादर से ढक दिया जाए तो वह फूल हो जाए। जब आज ऐसा नहीं होता तब पहले ऐसा हुआ है, यह कहना भावुकता है और श्रद्धा की अधिकता है। जब किसी बात पर विवाद होता है और उसका समाधान नहीं मिलता, विशेषकर पहले के हुए महापुरुषों के जीवन से संबंधित घटनाओं का, तब उस पर चमत्कार का वर्क लगाकर उसका समाधान कर दिया जाता है। इससे श्रद्धालुओं को तो क्षणिक संतोष मिल जाता है, लेकिन जो तथ्य है, जो सत्य है, वह ओझल हो जाता है। लेकिन श्रद्धालुओं को इससे कोई मतलब नहीं होता, वे तो अपने महापुरुष, पीर, पैगंबर, गुरु की महिमा बढ़ाने में ही अपने गर्व का अनुभव करते हैं। खास बात यह है कि शरीर चाहे किसी का हो, फूल नहीं हो सकता। ये जो कबीर पंथियों की बातें हैं वो विश्वविद्यालयों में और प्रोफेसर लोग नहीं मानते हैं, उसका एक कारण यही है कि कबीर पंथी कबीर को इतना बढ़ा चढ़ा करके, इतना महिमान्वित करके करते हैं कि वो इन महिमाओं का खंडन करते हैं और साथ साथ जो कबीर का ज्ञान है उसको भी वो हटा देते हैं। लेकिन अगर कोई बीजक को पढ़े और उसका अर्थ समझे तो साफ समझ में आता है कि उसमें कोई अलौकिकता नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है और भावुकता तो है ही नहीं। लेकिन पंथ के लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। कभी देखे हैं ना आप, जो पंथ के ये जो पौराणिक कबीर पंथी हैं, ये जब बैठते हैं सत्संग के लिए तो इनका जो मंच बनाया जाता है उसको श्रृंगारित किया जाता है, उसको सजाया जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे
विवाह करने का विधान किया जा रहा है, लगता ही नहीं कि वो सत्संग करने बैठ रहे हैं। इतना उस जगह को सजाया जाता है, श्रृंगारित किया जाता है, और जो गुरु बैठता है ऐसा लगता है जैसे गुड्डा गुड़ियों का खेल करने बैठा हो। खुद एकदम चमकता हुआ कपड़ा पहन लेगा, टोपी लगा लेगा, एक दुपट्टा डाल लेगा टेढ़ा टेढ़ा सा, नारियल रख लेगा ढेर सारा, पान रख लेगा, कोई तुलसी के साथ करे तो समझ में आता है, कबीर के साथ भी करते हैं और व्यापार चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, खूब चल रहा है। और इनकी वजह से जो विश्वविद्यालय और अन्य जो विचारक हैं वो बेपरवाह हो जाते हैं आप क्या बोलते हैं, क्योंकि वो कभी राजी नहीं होंगे इन बेवकूफियों से, वो कभी सुनेंगे नहीं इन बातों को आप क्या बोलते हैं। लेकिन पंथ वाले वो भी बेपरवाह हैं, वो भी नहीं सोचेंगे कि आप क्या मानते हैं, विचारवान है कि नहीं, वो अपना अपनी कथा अपना गाना गाते रहेंगे। ये जो कबीर पंथ में जो 12 एक दर्जन संप्रदाय हैं, 12 भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं कबीर पंथ में, उनके अलग अलग उनके टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, लेकिन कबीर के ज्ञान से जितना सीधे पारखी लोग जुड़े हुए हैं और आम जनता जुड़ी हुई है उतना और पंथ वाले नहीं जुड़े हैं, क्योंकि छोटी छोटी शाखाएं हैं, उनका काम चलता है बस, लेकिन वो सिर्फ भक्तों से ही बात कर पाते हैं। कबीर साहब के जीवन से संबंधित कुछ अलौकिकताएं जोड़ी जाती हैं जिनका यहां पर साहब स्पष्ट खंडन कर देते हैं। एक प्रश्न और है, उसको भी ले लें। कहा जाता है कि कबीर साहब का शरीर तेज पुंज का था, तेज पुंज बंडल ऑफ लाइट, प्रकाश का पुंज। यह प्रकाश पुंज क्या है? दिव्य प्रकाश का समूह यही है प्रकाश का पुंज या तेज पुंज, दिव्य प्रकाश का समूह। बहुत से कबीर अनुयायी और कबीर प्रेमी यह मानते हैं कि कबीर साहब का शरीर सामान्य लोगों के शरीर की तरह पंच तत्वों से नहीं बना था, वह अलौकिक था और दिव्य था। आकाश से लहर तारा के कमल फूल पर एक दिव्य प्रकाश की ज्योति उतरी और वह शिशु रूप में बदल गई, वही शिशु कबीर साहब हुआ, ऐसा माना जाता है। यह केवल भक्ति भावना एवं श्रद्धा अतिरेक है। हर मत और संप्रदाय के अनुयायी अपने महापुरुषों के लिए ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन किसी का शरीर अलौकिक नहीं होता और ना कोई प्रकाश ज्योति बच्चे के रूप में बदल सकती है। बाइबल में लिखा है कि ईसा जैसे सब बच्चों का शरीर बनता है वैसे ईसा का शरीर नहीं बना था,
स्त्री और पुरुष के मिलन से स्त्री गर्भधारण करती है, यह प्रकृति में नर मादा का मिलन सब जगह एक समान देखा जाता है, वो चाहे पशु हो या कि आदमी हो या कि पक्षी हो। बाइबल में लिखा है ईसा उस तरीके के नहीं थे, ईसा पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा ईसा की माँ जिसका नाम है मरियम उसको गर्भ ठहरा था। पवित्र आत्मा, एक रात वह सोई हुई थी तो एक देवदूत ने उसको दर्शन दिया और उसको बताया कि तेरे गर्भ से परमात्मा का पुत्र जन्म लेगा बस। और यह स्वप्न देख करके वह जग गई, उसकी नींद टूट गई और फिर वह गर्भवती थी। कुछ महीनों के बाद जब उसके माता पिता को पता चला तो उन्होंने लज्जा संकोचवश क्या करें, तो एक बढ़ई से अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया, उसको बताया नहीं। विवाह तय हो गया तब यूसुफ बढ़ई को पता चला कि मेरी पत्नी तो पहले से गर्भवती है, तो वो आया और आकर अपने सास ससुर को उलाहना दिया, कैसी लड़की से मेरा ब्याह कर दिए, और गरम हुआ। जब वह सोया तो देवदूत उसको भी दर्शन दिए और कहे तू शंका मत कर, वह किसी पुरुष से गर्भवती नहीं हुई, वह तो देवदूतों के द्वारा। अब कौन देवदूत था यह नाम नहीं दिया, कोई आदमी हो उसी का नाम देवदूत रहा हो। तू शंका मत कर और उसको स्वीकार, उसको अपना पुत्र का नाम दे। मतलब एक तरीके से उसको धमकाया गया कि चुपचाप तुम उसको स्वीकार लो और अपना पुत्र उसको मानो, लेकिन इस बात को ढकने के लिए बाइबल में कहा गया कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी माँ को गर्भ ठहरा था। तो ये चमत्कार की बातें हकीकत को छिपाने के लिए हर जगह कही जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जिन्हें हम नीची जाति के लोग कहते हैं, जिन्हें हम जंगली जाति कहते हैं, उनके यहाँ पिता को लेकर के कभी भी इतना भेदभाव नहीं रहा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे एक ब्राह्मण की बेटी अभी वो कुंवारी है और वो गर्भवती हो गई, तो ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी लाज की बात है, लज्जा की बात है, कभी तो विवाह हुआ नहीं और गर्भवती कैसे हो गई, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, जन्म मरण का प्रश्न हो गया उसके लिए तो। लेकिन अगर आप जंगली जातियों में जाएं, जिन्हें आप SC कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उनके यहाँ जाओ तो उनके यहाँ इन चीज़ों का कोई बहुत महत्व नहीं है। बच्चा गर्भ में आ गया है, वो जन्म देगी और अपने नाम से बच्चे को पालेगी, पिता का नाम जुड़ा है ठीक है, नहीं भी जुड़ा है तो भी कोई बात नहीं। उनके यहाँ बच्चे को फेंकने का प्रचलन या रिवाज नहीं है। समाज के वो लोग जो अपने आप को प्रतिष्ठित मानते हैं, इज्जतदार मानते हैं, उनके घरों में जब ऐसी घटना घटती है तब वो दाई को बुला करके बच्चे को फिकवा देते हैं। लेकिन जिनकी कोई इज्जत ही नहीं है वो तो परवाह नहीं करते हैं कभी इस तरह की इज्जत की, वो अपने बच्चों को पालते हैं।
तो अगर कबीर को छोड़ा गया है, किसी स्त्री ने अपने बच्चे को छोड़ दिया है किसी कारणवश, वो कारण हम नहीं जानते हैं, तो इसका एक संकेत तो मिलता है, क्या? कि वो बच्चा निची जात का नहीं रहा होगा। निची जात का बच्चा होता तो माँ अपने बच्चे को पाल लेती, छोड़ती नहीं, क्योंकि उनके यहां पुरुष का कोई बहुत मूल्य है नहीं। बस्तर में ट्राइबल कल्चर है, जनजाति लोग रहते हैं, उनके यहाँ लड़की विवाह करके जाती है और पटरी नहीं खा रही है कुछ, तो पति छोड़ करके अपने घर पर आ जाएगी, दूसरा ब्याह कर देगा उसका पिता, तीसरा ब्याह कर देगा, और जो बच्चे आ रहे हैं गर्भ में उसके, उन बच्चों का पालन पोषण होगा। वहां विवाह का होना या विवाह का ना होना इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो मेरा कहने का आशय है वो ये है कि अगर किसी स्त्री ने अपने बच्चे को लोक लज्जावश छोड़ दिया है, तो कहने का आशय यह है कि वह स्त्री संभावना पूरी है कि वो ऊंची जाति की ही होगी, और उसके घर के लोगों ने मजबूर किया होगा बच्चे को हटा दो, क्योंकि जो नीचे के लोग जिन्हें आप कहते हैं उनके यहां बच्चे को फेंकने छोड़ने का कल्चर नहीं है, वो लोग पालते हैं। अब अगर कोई कमी रह जाती है तो उस कमी को छिपाने के लिए कहानियां गढ़ती जाती हैं। एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है, हिंदुस्तान के ब्राह्मणों का ज्ञान कितना सच है इसके बारे में तो मुझे शंका है, लेकिन कहानियां गढ़ने में वो बेजोड़ हैं। उसने लिखा है, कहानियां गढ़ने में हिंदुस्तान के ब्राह्मण बेजोड़ हैं, और पुराण पढ़कर के देख सकते हो, कोई भी घटना उन्हें छुपानी होती है तुरंत 10 कहानियां जोड़ देते हैं, बस हो गया। सदगुरु कबीर हो चाहे दुनिया के अन्य महापुरुष, सबके शरीर उन्हीं तत्वों से बने थे जिन तत्वों से सामान्य मनुष्यों का शरीर बनता है। कोई प्रकाश पुंज नहीं होता। हां, आगे चल करके उन महापुरुषों के तप, त्याग, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, सद्गुण, सदाचार आदि का दिव्य प्रकाश हो जाता है, और उस ज्ञान से पूरा मानव समाज प्रकाशित और आलोकित होता है। तो यह कहना कि कबीर साहब का शरीर तेज पुंज का था, यह उचित नहीं है। अगला प्रश्न, कुछ लोगों पर देवता आया करते हैं और कहते हैं कि उसके शरीर में देवी देवता प्रवेश कर गए हैं, वही उससे सब कुछ कहलवाते हैं और करवाते हैं, क्या यह संभव है? देवता खेलता है, सैकड़ों हजारों वर्षों से देवता खेल रहा है, देवता के मंदिर तक जाने के लिए बीच में जलती हुई आग रख दी जाती है, कोयले के जलते हुए अंगारे, और जिसको मंदिर तक जाना है देवता के दर्शन के लिए, वो मंदिर के सामने जो अंगारे जल रहे हैं उन्हीं अंगारों पर पैर रखते हुए ही जाएगा, तो सबके बस की बात नहीं होती है। वो जो खास पुजारी होता है जिस पर देवता आता है, वही नाचते 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 इतना भावावेश में आ जाता है कि उन अंगारों पर वह चलता हुआ देवता के मंदिर तक पहुंचता है।
और वो कुछ बोलता है, कुछ कहता है, कुछ भविष्यवाणी करता है, कुछ पहले की चीजें बताता है, तो लोग कहते हैं कि उस पर देवता उतरा है, देवता आया है, देवता प्रवेश कर गए हैं। तो क्या यह संभव है कि कुछ लोगों पर देवता प्रवेश कर जाते हैं, उससे सब कुछ कहलवाते और करवाते हैं? अधिकतम लोग तो एकदम मानते हैं, कुछ थोड़े से लोग जो बीच में हैं, जिनके मन में शंका है कि क्या यह होता है या नहीं, उसी में से कृष्ण किसी ने प्रश्न भेजा होगा। उत्तर दिया गया है, यह केवल भ्रम है। देवी देवताओं की मान्यता एवं भ्रम लोगों के दिमाग में पहले से है। कभी किसी कारणवश वे अधिक से अधिक अधिकाधिक भावना ग्रसित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं और मान लेते हैं कि उनके अंदर देवी देवता प्रवेश कर गए हैं। उसी भावुकता और आवेश के क्षणों में वे कुछ का कुछ कहते तथा करते हैं, जिसके मन में जिस देवी देवता की मान्यता या भ्रम ज्यादा रहता है, वह उसी देवी देवता का अपने अंदर प्रवेश होने का भ्रम करता है। ध्यान दें, जिस देवी देवता का जिसने कभी नाम नहीं सुना, उसके अंदर वे देवी देवता कभी प्रवेश नहीं करते। जितने देवी देवता हैं वे काल्पनिक हैं और मनुष्यों द्वारा गढ़े गए हैं, वे किसी के अंदर क्या प्रवेश करेंगे? जितनी ज्यादा अशिक्षा होती है और जितने लोग भावुक होते हैं और भोले होते हैं, उतना देवी देवताओं का प्रकोप ज्यादा होता है। जो जंगली जातियां हैं उनके यहां या उनके निकट जो लोग रहते हैं उनके यहां इन देवी देवताओं की मान्यता बहुत ज्यादा दृढ़ होती है, और जितना जितना समाज ज्यादा कल्चर्ड होता जाता है, ज्यादा शिक्षित होता जाता है, उतना ये देवी देवताओं का प्रकोप कम होता जाता है। जादू टोना के द्वारा और मंत्र तंत्र से सिद्धि पाकर क्या किसी आदमी को मारा जा सकता है? या जादू टोना के बल पर कोई मनोवांछित फल पाया जा सकता है? जादू टोना, मंत्र तंत्र केवल भ्रम एवं अंधविश्वास हैं। इन्हें सिद्ध कर इनके द्वारा मनोवांछित फल की आशा केवल आशा है और अपने समय शक्ति को बर्बाद करना है। जादू टोना, मंत्र तंत्र और पूजा पाठ से मनोवांछित फल जिनको मिल जाता है, तो ये सब करने वाले जो बैगा हैं, सोखा हैं, ओझा हैं, पंडे पुरोहित हैं, जो दूसरों के लिए करने का दावा करते हैं, वे स्वयं अपने लिए कर लेते और वे गरीब दुखी और पीड़ित नहीं रहते। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, अशिक्षा इतना बड़ा अभिशाप नहीं है जितना कि गरीबी है। एक आदमी से उसका धन छीन लो, वो गरीब हो जाए,
वो ना तो वो शिक्षा दे पाएगा अपने बच्चों को, ना स्वास्थ्य दे पाएगा और ना जीवन। जब हम गरीब हो जाते हैं तो जानते हैं क्या होता है? पहली चीज तो यह होती है कि हमारी सोचने की क्षमता कुंद हो जाती है। गरीब होने की जो सबसे बड़ी कमी यह है कि वो हमारी स्वतंत्रता मार देता है। अभी हम यहां बैठे हुए लोग को धन मिल जाए एक एक अरब रुपए, तो जगह खाली हो जाए, यहां कोई ना रहेगा, सब अपना अपना धन लेकर के चले जाएंगे और अपने अपने लिए व्यवस्था कर लेंगे, अपने अपने ढंग से वो बात करेंगे। गरीबी बहुत बड़ी कमी है। जो देश, जो समाज गरीब कहे जाते हैं, पिछड़े कहे जाते हैं, उनके पिछड़ेपन का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है उनकी गरीबी। पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते हैं, पैसे ही नहीं है, 200 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, कैसे ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। जानता है वो भी कि तंत्र मंत्र झूठ है, लेकिन क्या करें? पत्नी कहेगी बच्चा बीमार है, उसकी जेब में कुछ भी पैसे नहीं, क्या करेगा? बोलेगा जाओ तनी इसको झड़वा दो, झाड़ फूक करवा दो। क्यों? उसके पास संसाधन नहीं है इसलिए। और जो ओझा है, जो सोखा है, जो बैगा है, जो करवा रहा है, वो खुद भी गरीब है। अगर वो अमीर होता तो ये सब कर्मकांड नहीं करता। वो अभी बैठा है कि कोई फंसे, कोई आए, कुछ तो दे जाए। जब किसी आदमी के पास, उसको आप धन दे देते हैं, उसकी गरीबी दूर कर देते हैं, तो उसके पास अपने आप एक आंख आ जाती है, एक दृष्टि आ जाती है। ये लोग जो इतने मंदिर बना करके बैठे हैं, ये क्या नहीं जानते हैं कि देवी देवता सब फर्जी हैं? वो जानते हैं कि सब व्यर्थ की चीजें हैं, झूठ है। मंदिर का पुजारी भी जानता है। क्यों? उसके पास कोई नियमित आय का स्रोत नहीं है, वो इसी देवता पर निर्भर है, इसलिए वो राम राम देवता देवता करता रहता है बस, और कोई बात नहीं है। अगर उसके पास जमीन हो 10 बीघा और वो बो सके और जोत सके और पैदा कर सके, तो देवता पर निर्भर नहीं रहेगा। उसके पास कुछ है ये नहीं है, उसकी कमाई, उसकी फसल, उसका खेत बस ये मंदिर है बस। जानता है वो भी, एक गरीब मजदूर भी जानता है, जब उसका बच्चा मर जाता है ना, तो जान जाता है कि देवता फर्जी है। लेकिन आगे जब बच्चा होगा, वो बीमार पड़ेगा, तो उसको फिर से भेजेगा। क्यों? पैसा नहीं है उसकी जेब में इसलिए। तो अगर आप ये सोचते हो कि हम बोल करके और लेखक लिख करके अगर बता रहा है कि जादू टोना झूठ है, तो ऐसा नहीं है। जादू टोना जो करता है वो भी गरीब है, जादू टोना जो झड़वाने फुकवाने जाता है वो भी गरीब है। ये गरीबों का धंधा है बस। अगर वो गरीब नहीं होते ना, तो सारी चीजें खत्म हो गई होती। बस्तर के ओझा और सोखा दिल्ली में जाकर के मजदूरी करते हैं, क्योंकि वहां कोई झड़वाने फुकवाने नहीं आता है, तो मजदूरी करके वो जीवन यापन करते हैं बस। पूरा का पूरा समाज एक साथ कभी भी वैज्ञानिक और विकसित नहीं होता है, और पूरा का पूरा समाज एक साथ कभी भी अवैज्ञानिक या पिछड़ा नहीं होता है। कुछ लोग विकसित होते जाते हैं, शिक्षित होते जाते हैं, और जड़ता से दूर होते जाते हैं, और जड़ता और मूढ़ता और टोना टोटका कुछ लोगों में बचा रह जाता है। मैंने देखा है, पहले के समय का जितना ये प्रभाव था, आज के समय में उतना प्रभाव नहीं है।
आज बहुत घट गया है, और जैसे जैसे शहरीकरण होगा, नगरीकरण होगा, शिक्षा बढ़ेगी, वैसे वैसे जादू टोना बहुत थोड़ा रह जाएगा, बहुत थोड़ा। ये चीजें झूठ हैं, करने वाला भी जानता है, करवाने वाला भी जानता है, लेकिन संसाधनों की कमी है, धन की कमी है। अगर किसी के पास धन होता है तो पहले डॉक्टर के पास ही जाता है। स्वामी शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि वे एक राजा के शरीर में प्रवेश कर गए और उसकी रानियों से भोग किए, फिर उस शरीर को छोड़ करके वो अपने शरीर में वापस लौट आए। क्या योग के द्वारा यह संभव है? उत्तर, एक राजा स्वामी शंकराचार्य से किसी ने एक प्रश्न पूछा, एक रानी ने भोग से संबंधित, तो वो तो छोटी उम्र में साधु हो गए थे तो उनको तो कुछ जानकारी थी नहीं, तो उन्होंने रानी से कहा मुझे कुछ समय दो, तो उसी समय एक राजा का शरीर छूट गया था, रानियां बिलख रही थी, रो रही थी, तो स्वामी शंकराचार्य ने ऐसा पुस्तक में लिखा है शंकर दिग्विजय में कि उन्होंने अपने शिष्यों से कहा मेरे इस शरीर की रखवाली करना, मैं कुछ महीनों बाद आता हूँ, और वो चले गए, वो राजा के शरीर में प्रवेश किए, राजा जीवित हो बैठा, रानियाँ खुश हो गईं, उल्लास नाचने लगे सब। तब राजा अपने महल में गया, अपनी रानियों के साथ भोगा, और कुछ महीनों तक वह स्वामी शंकराचार्य जो उसके शरीर में प्रवेश कर गए थे वो उसके बाद वापस आ गए। राजा फिर से मर गया, शंकराचार्य अपने शरीर में प्रवेश कर गए और उन्होंने फिर शास्त्रार्थ किया, ऐसी कथा है। तो क्या यह योग के द्वारा क्रिया संभव है? आज के समय में भी लोग मानते हैं। एक लाल बुझक्कड़ जिसका नाम आशुतोष है, दिल्ली में एक आश्रम चलाते थे, ब्रह्म विद्या देते थे, मर गए। मरने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा मैं मर नहीं रहा हूँ, मैं योग साधने जा रहा हूँ हिमालय, लौटूंगा मैं अभी। शरीर की रखवाली करना, अब शरीर सड़ने लगेगा, तो उठा उसको फ्रीजर में रख दिए। अब गुरुजी बाहर नहीं आते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो चेले लोग पूछते हैं गुरुजी कहाँ हैं, वो तो ध्यान करने समाधि के लिए गए हैं हिमालय। पता चला शरीर तो यही रखा हुआ है फ्रीजर में। तो चेलों ने कहा शरीर देखना है, उन लोगों ने कहा नहीं उनको अभी नहीं देख सकते, अभी उनको आने दो वापस। 8 महीना बीत गया, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, हमें हमारे गुरु का शरीर नहीं देखने दिया जा रहा है। तो चेलों ने कहा भाई इसलिए नहीं देखने दिया जा रहा है क्योंकि गुरु अभी हिमालय गए हुए हैं, उनको आ जाने दो, अपने शरीर में जाने दो, तब वो जिंदा होंगे। ये नाटक 1-2 साल तक चला, तो ये स्वामी शंकराचार्य के समय ही नहीं था, अभी भी लोग हैं। और जो मूर्खों की राजधानी है इस देश में, दिल्ली कही जाती है, वो भारत के जितने मूर्ख इकट्ठा होकर वहीं पहुंच जाते हैं, वहां यह घटना घट रही है। योग के नाम पर बड़े बड़े भ्रम अंधविश्वास फैलाए गए हैं। दूसरों के शरीर में प्रवेश कर जाना यह भी केवल भ्रम एवं अंधविश्वास है। धर्म, ईश्वर और महापुरुष के नाम पर कितनी ही ऐसी झूठी और काल्पनिक बातें लिखी गई और कही गई हैं, आज भी कही जा रही हैं। सुने, योगी दूसरों के मन की बात जान लेता है, दूर की घटनाओं को
वह स्पष्टतः देख लेता है, उन्हें बता देता है। पानी पर वैसे ही चल सकता है जैसे पृथ्वी पर चलता है। अपने को वह अंतर्धान कर सकता है, रुई के समान अपने शरीर को हल्का अथवा पर्वत के समान अपने शरीर को भारी और वजनदार बना सकता है और दूसरे के शरीर में वो प्रवेश कर सकता है। ऐसी तमाम झूठी बातें योग की महिमा में कही जाती हैं। योग का अर्थ है मनोनिग्रह, ना कि अंधविश्वास और अति महिमा। आदमी का मन ऐसा सोचता है लेकिन परकाया प्रवेश कभी संभव नहीं है। साहिब बंदगी।